भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करना दूल्हे पक्ष को उस समय भारी पड़ गया जब जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने 6,26,600 रुपए का दूल्हे के पिता पर जुर्माना लगाया, जो संभवतया देश का पहला मामला है। आपको बता दें कि 13 जून को भदादा मोहल्ले में रहने वाले घीसूलाल राठी ने अपने पुत्र रिजुल का विवाह किया था, जिसमें बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहां पर बिल्कुल नहीं की गई थी। साथ ही सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए 50 से अधिक मेहमानों को बुलाया गया, जिसके चलते इस शादी समारोह में कोरोना संक्रमण फैल गया, जिसके कारण दूल्हे और दूल्हे के पिता सहित परिवार के 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिस पर 58 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। वहीं दूल्हे के दादा की कोरोना वायरस के कारण मौत भी हो गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने क्वारंटाइन और संक्रमित मरीजों के इलाज, एम्बुलेंस, भोजन, रहने के खर्च में व्यय हो रही राशि का इन पर जुर्माना लगाया। ये जुर्माना राशि 3 दिन के भीतर दूल्हे के पिता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवानी होगी। झुंझुनू के इस्लामपुर गांव में हरियाणा से आए एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके बाद मेडिकल टीमों ने इस्लामपुर में डेरा डाल रखा है। आपको बता दें कि बाग वाले मोहल्ले में एक परिवार के 10 सदस्य हरियाणा के भिवानी से आए थे, जिनकी सैंपलिंग ली गई और इनमें से 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद परिवार के 16 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए झुंझुनू जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के पेरू सिंह सर्किल, कलेक्ट्रेट सर्किल, नेहरू पार्क सर्किल, पीडब्ल्यूडी डाक बंगला सर्किल सहित शहर के अनेक मुख्य चौराहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, विद्यालय की छात्राओं द्वारा रंगोली बनाई गई। SDM सुरेंद्र यादव ने बताया कि COVID-19 महामारी से आमजन को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 30 जून तक प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 21 जून से लेकर 30 जून तक प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया। इसी के तहत जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार प्रत्येक दिन झुंझुनू जिले में जागरूकता के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह की रंगोलियां हर चौराहे पे बनाई जा रही हैं, ताकि लोग इस महामारी से बच सकें। जागरूकता के माध्यम से लोगों को जानकारी हो सके कि कैसे मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। हिंदू जागरण मंच के पाली संयोजक शेर सिंह मेवाड़ा के सानिध्य में कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों और दमकल कर्मियों की भी भूमिका बिल्कुल अहम है, ऐसे में इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर शिवसेना जिला प्रमुख पंकिल परमार, हिंदू जागरण मंच बेटी बचाओ अभियान के प्रमुख किशोर सोनी और थाना इकाई संयोजक कांतिलाल बोराणा सहित कई लोग मौजूद रहे। बीकानेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ज्वेलरी व्यापारी से लूट के प्रयास का मामला सामने आया है और ये मामला बिल्कुल गर्मा गया है। घटना के विरोध में सराफा व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। सराफा संघ के सचिव सुनील कुमार सोनी ने यह बताया कि शनिवार को ज्वेलरी व्यापारी दुकान बंद कर घर जा रहा था, इसी दौरान बदमाश ने लूट की नीयत से चाकू से हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। व्यापारियों ने कार्रवाई नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। कोतवाली एरिया में लूट की एक अजीब घटना हुई, जिसमें 2 सराफा भाई थे, उन पे हमला हुआ और सरिये से चाकू से वार किया गया और उनसे थैले छीनने का प्रयास किया गया। ये इसी एरिया में ये तीसरी घटना है। इससे पहले भी इनकी शॉप पे भी एक लूट की घटना का प्रयास हुआ और उसके बाद में यहाँ जो कारीगर लोग आते हैं उनके पास में बैग रहता है, उनकी बैग भी एक छीनी गई और इस एरिया में ये तीसरी घटना है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इनका जो शोरूम है वो JP ज्वेलर्स नाम से फेमस है और काफी अच्छे लोग हैं।
पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कोटा में भी राहुल प्रियंका गांधी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सेवन वंडर के पास रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस कोरोना काल में भी आम जनता की कमर तोड़ दी है।